निभाती है, बहुत अच्छा लगता है। साक्षी अभी आज देश की बेटी ओलंपिक में अच्छा कर रही है, वो एक्चुअल रियल हीरो है, तो आज पीवी सिंधु का फाइनल होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आप विश करें उन्हें। बिल्कुल, हमारी बाकी लड़कियों ने तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं ओलंपिक्स में, और कल ही साक्षी हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, जो कि इंडिया में पहला ओलंपिक मेडल रहा है। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग। और आज पीवी सिंधु का फाइनल मैच है, होप कि वो जीते, बट अगर ना भी जीते तो उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सिल्वर मेडल तो वो लेके आ ही रही है, बट उन्होंने 1.3 बिलियन हार्ट्स को जीता है, एंड वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड। कभी डेफिनेटली आजकल जो महिलाएं हैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ चुकी हैं, कभी मौका मिला फ्यूचर में तो क्या इस तरह का करना चाहूँगी? बिल्कुल करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं स्कूल में और कॉलेज में स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी और काफ़ी अच्छा खेलती थी। तो उसके बाद छूट गया। अब जब भी मौका मिलता है, कभी कभार सेट पे लोग फ्री होते तो जमा करके हम वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं, या टेनिस अगर कोर्ट हुआ हम जहाँ पे रह रहे हैं तो टेनिस खेलने लग जाती हूँ। तो आई रियली मिस इट, बहुत मिस करती हूँ खेलना, और आई होप अगर मुझे ऐसा एक रोल मिले तो मैं करूँगा। आप टेनिस अच्छा खेलती हैं और बट कोई बात नहीं, ऐसा और भी बहुत लोग के साथ हुआ है जो गए थे और खाली हाथ वापस आए, बट वहाँ तक पहुँचना ही इतना बड़ा अचीवमेंट है खुद में। यू नो, सेलिब्रेटिंग ह्यूमन एक्सीलेंस, आप और मैं तो जा नहीं सकते ओलंपिक्स, तो जो लोग गए हैं हमें उनके लिए बहुत खुश होना चाहिए। और दीपा के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि या शी won the hearts, of course, she won so many hearts, and बहुत कम मार्जिन से चुकी है। You know, there's always next time, and she's made us proud. Anyway, thoughts ले जाते हैं। आपका सावधान इंडिया का एपिसोड आएगा जिसमें कि लाइफ को सोल्यूशन भी दे रही हैं आप एंड में, मतलब ड्यूरिंग द शो। जी, ऑफकोर्स। आई थिंक हर एपिसोड की खासियत ये होती है कि एक सोल्यूशन भी मिलता है, और आपको आई फील कि जब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, उनको अवेयर कर रहे हैं, वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि एटलीस्ट जानकारी होना ज़रूरी है। आई फील दैट सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। दबंग 3 के लिए कितनी एक्साइटेड हैं आप? क्योंकि अरबाज खान ने कहा है कि आप जानते हैं कब शुरू हो रही है, उन्होंने बता देना 2017 से। थैंक यू सो मच। थैंक्स।